हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज का मैच जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अंडरटेकर की टीम आई है सामने ब्रे वाइट की टीम से फाइट करने। तो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहने वाला है। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, तो जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए करते हैं मैच को स्टार्ट। तो गाइस, रेफरी के इशारे के साथ मैच स्टार्ट होता हुआ आमना सामना करते हुए स्टिंग और ब्रे वाइट बहुत ही ज़बरदस्त आते ही अपना फिनिशर लगा दिया गाइस। ज़बरदस्त, मुझे लगा वापसी कर भी पाएंगे स्टिंग नहीं। 1 2 किक आउट कर दिया गाइस। जब तक 2-3 फिनिशर नहीं खाएंगे ना, तब तक इतना आसान नहीं है भाई साहब पिन करना। चलिए एक और लगा दिया मेरे कहते ही दूसरा भी। अबे गाइस अब गए, अगर अब बचाने नहीं आया कोई तो गाइस गए। तो 1 आ गए, चलो अंडरटेकर बचाने। देखा गाइस बिल्कुल चारों खाने चित हो गए भाई साहब। स्टिंग तो अंडरटेकर से अंदर आ जाइए, लीगल होके फाइट करिए। देखिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ गया ना उसने, आपको लपक लिया फौरन। भैया अब ये फाइट बाहर होने लगेगी गाइस। अगर किसी को कोई सजेशन देना तो मुझे बता दीजिएगा। इसमें ये रिंग काउंट जो है 10 रखूँ या 5 रखूँ गाइस, बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो बाहर ही लड़ते रहते हैं यार ये, काफ़ी देर तक रिंग के अंदर ही नहीं आते। चला आ जाओ अंदर, 3 हो गए। स्टिंग अंदर आ जाओ भाई, लीगल बंदे से फाइट हो ना तो मज़ा आता है, लड़ने में भी मज़ा आएगा और फायदा नुकसान दोनों से दिखाई देती है इसमें। चलो आ जाओ अंदर, ब्रे वाइट कहाँ चले गए। अरे भैया अब ये अंडरटेकर सर लड़ने लगे। तो गाइस बता देना मेरे को अगर इसमें 5 काउंट रखूँ अगले मैच में, नहीं बता देना मेरे को। बहुत बढ़िया। अरे भैया इसको अंदर जाने दो यार, भारी पीटने में लगे हुए हैं अंडरटेकर सर ने। तो बस पावर स्लिम पे पावर स्लिम ठोके जा रहा है बस ब्रे वाइट पे। वह भैया अंदर आने दो उसको, केवल होगा यार रिंग काउंट से बाहर करोगे क्या। चलो अंदर आ गए गाइस, चलिए स्टिंग आप भी अंदर आइए। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये फायदा उठाया यहाँ पर स्टिंग ने। अभी डीमन फिन बेलर भी आ गए यार, तो फिन बेलर तुम तो अंदर जाओ यार। चलो बहुत बढ़िया यहाँ पे, लेकिन उसको ब्रे वाइट को पकड़ो यार जाकर, कभी वो टेक देते जाकर। अबे भैया चलो जी बहुत बढ़िया। और गाइस जबरदस्त गाइस, और गाइस कल का मैच जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दिया मैंने, वो भी देखना बहुत ज़बरदस्त मैच था कल का भी। भाई साहब मुझे लग रहा है चौक स्लैम ठोकने वाले कैन। भाई साहब ब्रे वाइट के तो बुरी हालत कर दी है, रिंग के बाहर भी मारा था रिंग साइड पर भी। 1 2 बस किक आउट यार, बिल्कुल सही समय पर करा, रिंग साइड पर भी बहुत मारा है, पावर स्लैम पे पावर स्लैम ठोके अंडरटेकर सर ने। चलिए एक और फिनिशर चाहिए बस इसको, एक फिनिशर और कनेक्ट हो गया तो गए ब्रे वाइट को। फिर टैग दे दो जाके जल्दी से ब्रे वाइट। अबे भैया अभी तो मुझे लग रहा है पिटाई बना लिया टर्न बगल पर बुरी तरीके से, अंडरटेकर सर को गुस्सा आ गया गाइस। बस सर छोड़ दो टैग देने दो भैया, आज ना छोड़ने वाले अंडरटेकर सर, बहुत गुस्से में लगा मैं तो उसकी ब्रे वाइट की तरफ से गाइस। चलिए टैग दे दिया, अंकल होड़ी आ गए लीगल होकर। चलिए कंट्रोल बनाने की कोशिश करें अंकल होड़ी। ना 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 इतना आसान नहीं है वैसे अंडरटेकर सर पर कंट्रोल बनाना, लड़वार करने वाले हैं बस कुछ ही समय जा रहा है। चलिए आ गए केन बचाने, लेकिन कोशिश बेकार है, लड़वार कर चुके हैं यहाँ पर रिवर्सल बहुत बढ़िया। और अगर इन्होंने कंट्रोल बनाया अंकल होड़ी आप पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें बचना। टैग देंगे गाइस, रिवर्सल हो गया यहाँ पर। भैया सोच क्या रहते, इतनी देर से टैग नहीं दिया कुछ नहीं करा बस, चले चले आ रहा है। बहुत बढ़िया यहाँ पर अंकल होड़ी, ज़बरदस्त। चलो टैग देंगे वापसी जाकर, किस अरे टैग देने गए थे वापस आ गए गाइस। अब कैन से दुश्मन आगे लग रही है भाई साहब मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया, लेकिन ये गलती करी उन्होंने, टैग नहीं दिया ना, अब इनकी पिटाई शुरू मुझे लग रहा गाइस। अरे छोड़ दो अंकल होड़ी को यार, जाके टेक दे देंगे वो भी, जाते जाते वापस आ गए मन बदल गया उनका और उसी वजह से पिटाई शुरू हो गई अच्छी तरीके से। कैन जाओ रिंग से बाहर जाओ यार, मिलके मारने में लगे मैं, जाओ। और कैन क्यों नहीं जा रहा बाहर, रेफरी बाहर कर देंगे वरना मैच से ही। अंकल होड़ी को बाहर निकल लिए, ये सही है बिल्कुल, थोड़ा सा हेल्थ रिकवर करो फिर फाइट करो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा हेल्थ कम ना हो जाए कहीं। और ये कैन भी चलेगा मारने, अंडरटेकर भी चलेगा। वह भैया
जबरदस्त यार फिन बैलर को फूंक दिया उसने स्टिंग ने यार। अंकल ओडी पे भी भाई सब पूरा पूरा कंट्रोल बनाने की कोशिश यहाँ पे स्टिंग की यार। स्टिंग के मूव तो जबरदस्त हैं, जवाब नहीं गाइस। अभी देखोगे ना इसके मूव अलग ही हैं स्टिंग के तो। भाई बहुत बढ़िया, चलिए टैग दे देंगे बिल्कुल लीगल हो गए ब्रे वाइट। भाई बहुत बढ़िया ब्रे वाइट, कंट्रोल बना लो पूरा पूरा, अब छोड़ना मत कंट्रोल को, मजा आएगा फाइट देखने में ब्रे वाइट और स्टिंग की गाइस। तो पूरा पूरा कंट्रोल बनाया, जब भी आए ना ब्रे वाइट ने कंट्रोल बनाया स्टिंग के ऊपर गाइस। छोड़ दो टर्न बगल पे यार, रेफरी गुस्से में आ जाएगा। चलो गाइस टेक देने वाले हैं, बिल्कुल लीगल हो गए कैन, जबरदस्त। अरे भैया आते पूरा स्वागत कर दिया ब्रे वाइट ने तो कैन का, कैन अंडरटेकर के सामने ज़्यादा देर तक वैसे कंट्रोल बना नहीं पाएंगे ये। देखिए वापसी चले गए कंट्रोल, ले लिया उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में कैन ने। वैसे भी कैन इस समय बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में आएगा गाइस, बहुत बढ़िया नेट ब्रेकर। चलो एक फिनिशर ठोक दो कैन, आया हुआ तुम्हारे पास जल्दी से ठोको, लगाएंगे नहीं मुझे लगा टैग देंगे, किसको देंगे टैग, मन नहीं है टैग देने का क्या। वह भैया मुझे लग रहा है टैग देने का मन है, अभी तो पीटने का मन है इनका। चलिए कवर करेंगे यहाँ पर, ना 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 एक फिनिशर लगाओ उसके बाद पिन करो तो मज़ा आएगा। भाई साहब ज़्यादा कुछ समय लग रहा है अंडरटेकर अंकल होडी की तरफ से, तो अंकल ओडी को तो भारी फेंक दिया, भाली आके ठोकेंगे मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया गाइस यहाँ पे कंट्रोल बनाते हुए कैन, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है अंकल ओडी की तरफ से तो अंडरटेकर सर, बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है। चलिए रिवर्सल कर दिया यहाँ पर गाइस, ले देके एक आध कैन लगाना चाह रहे थे वो भी फिनिशर नहीं लगाने दी उनको। चलिए कवर करेंगे यहाँ पर, 1 2 चलिए किक आउट बज गया गाइस, टेक देने का इरादा लग रहा है मेरे तो इनको। हाँ जी टेक दे दिया, लीगल हो गए हैं फिन बैलर। चलिए बहुत बढ़िया यार जबरदस्त नीचे हमला कर दिया आते ही गाइस, वैसे लग रहा है बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है बैलर पे। चलो टैग दे दिया अंडरटेकर सर हो गए लीगल, बहुत ही बढ़िया DDT जबरदस्त। अरे भाई अंडरटेकर तो भाई बड़ी फुर्ती से ठोकते हैं जो आते हैं, बहुत मारने वाले हैं। स्पाइन बस्टर जबरदस्त स्क्रीन भी ला दी गाइस, चलो एक फिनिशर ठोक दो मज़ा आ जाएगा। अंडरटेकर सर ठोक दो जल्दी से, सिग्नेचर भी आया फिनिशर भी गाइस, ठोक देना चाहिए इनको। क्या कर रहा सर, इसको मौका मत दो बेलर को। चलिए आ गए गुस्से में, आ गए भाई साहब फॉर्म में आ चुके अंडरटेकर सर। अब भाई साहब मुझे लग रहा है इसका हालत ख़राब होने वाली है अब तो कुछ ही समय में, आ गया गुस्सा भाई साहब। बचा ले भाई बेलर अपने आप को बचा ले किसी तरीके से। भाई रिवर्सल कर दिया, सुन ली मेरी बात इनने याद, बहुत बढ़िया बिग बूट। ये पंचिंग मशीन बनते हुए यहाँ पर अंडरटेकर सर, ये पंचिंग मशीन होती है ना बस पंचिंग बरसाती है, वो हालत कर दी उन्होंने बैलर की तरफ। जब टैग दे दो सर स्टिंग को भी थोड़ा हाथ धोने दो। अब भाई सर रिवर्सल कर दिया यहाँ पर, बहुत बढ़िया बैलर ने भाई स्टिंग को सिर्फ बुलाने की बात की थी, स्टिंग को तो इन्होंने भारी फेंक दिया यार। भाई वो ये गलती करी इन्होंने बैलर ने, बिग बूट खाने को मिल गया। चलो टैग दे दिया लीगल हो गए कैन जा रहा है मानने के लिए सीधे ब्रे वाइट को मानने जाते हैं, इरादा बदल दिया, ये सही करा इन्होंने, ये गलती करते तो फिन बैलर फायदा उठा लेते इस बात का। भैया फिनिशर रखे हुए दो दो यार, क्या कर रहा हो यार, स्टिंग को दे दो। चलो कवर करेंगे यहाँ पर, 1 2 चलो जी बचा लिया बहुत बढ़िया बैलर को सर, तुम भी टैग दे दो आगे स्टिंग को यार, उसके बाद दो दो फिनिशर आए हुए हैं, गुस्से में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है भैया। अब तीनों से भिड़े पड़े हैं भाई दोनों से, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तीसरे से भी भिड़ गए भाई सब कैन तो यार, भैया जाके टैग दे दो बस ज़्यादा जोश में ना हो अंकल ऑडी। अब स्पाइन बस्टर बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे फायदा उठाया बैलर ने। चलो फिनिशर खा लिया जब भी माने, 1 2 3 गाइस कैन गाइस, चलो कैन का तो एलिमिनेट हो चुका है। बहुत बढ़िया रनिंग DDT यार, जवाब नहीं अंडरटेकर सर ने, आते कंट्रोल बनाने की कोशिश करी बैलर पे, ये होनी चाहिए इसी तरह फाइट फुर्ती के साथ, बहुत तेज़ी दिखा रहे थे लेकिन जिसको मानना चाहिए उसको नहीं माना है इन्होंने कैन ने, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया।
और अपनी टीम की तरफ से सबसे पहले एलिमिनेट होने वाले कैन बने। भाई साहब पूरा पूरा कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बेलर 100 एकड़ सर पे। भाई साहब पलटवार होने के बाद बहुत पिटाई होने वाली है तुम्हारी इन बेलर। चलो सर कितनी देर में करोगे रिवर्सल, बस अब ये देख लो मानने का पूरा पूरा मौका देना इसको, तो वैसे भी ऐसी बात नहीं है। चलो टैग देंगे अंकल ओडी को, मत दे देना बहुत गुस्से में अंकल ओडी की तरफ से। अबे अंकल ओडी को ही दे दिया भाई साहब टैग। ओ बहुत बढ़िया अंकल ओडी का हाई फ्लाई मूव। स्टिंग को मानने जा रहा था यार, स्टिंग ने हमला कर दिया वापसी पलटवार। चलिए फेंक दिया वापसी स्टिंग को इन्होंने रिंग से बाहर ही फेंक दिया। अंकल ओडी कुछ ज्यादा गुस्सा गाइस अंकल ओडी पे, तो लेकर सर अब गुस्सा किस बात का पता नहीं भाई। और गाइस आपको तो पता है ना सब्सक्राइब का बटन कहाँ पर है, तो गाइस दबाओ यार जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो गाइस। अंकल हाउडी गलत आदमी से पंगा ले रहे थे भाई साहब। चलो रिवर्सल कर दिया बहुत बढ़िया अंकल हाउडी ने भी। अंकल हाउडी गुस्सा मत दिलाओ अंडरटेकर सर को, बहुत वैसे ही पहले ही बहुत गुस्सा है तुम्हारे पे। सबमिशन मूव पे लेने गए भैया, अब इतनी आसानी से थोड़ी टैप आउट करने वाले हैं वो। और बेलर बचाने आए थे लेकिन कोई फायदा नहीं है, निकल गए गाइस। टैग दे देंगे यहाँ पर स्टिंग को, चलिए स्टिंग में निकल। और अंकल ओडी तुमने क्या कर दिया, ये ध्यान भड़क गया और पिटाई शुरू हो गई। स्टिंग जबरदस्त कंट्रोल बना लिया गाइस मुझे लग रहा है स्टिंग ने, और अंकल ओडी की पिटाई शुरू यहाँ पर। चलिए टैग देंगे यहाँ पर निकल होगा फिन बेलर, चलो आ जाओ आमना सामना करते हुए स्टिंग और फिन बेलर। गाइस जबरदस्त स्वेग देखिए गाइस स्टिंग का। गाइस अंकल ओडी तो अभी भी चलाकी से जा रहा है गाइस, जाओ रिंग से बाहर जाओ, बहुत बढ़िया यहाँ पर मौका मिल गया। इनका ध्यान गया स्टिंग का अंकल ओडी की तरफ, उसका फायदा उठाया बेलर ने। चलो बेलर एक सिग्नेचर आया हुआ लगा दो जल्दी से, ये गलती मत करना छोड़ना मत। बहुत बढ़िया यहाँ पर रिवर्सल, क्या जवाब नहीं गाइस स्टिंग का तो। चलो बहुत बढ़िया स्टिंग लगाने जा रहा अपना फिनिशर, बहुत बढ़िया यार शार्प शूटर कनेक्ट कर दिया गाइस, शार्प शूटर ठोक दिया। वह भाई साहब वह बचा लो भाई साहब अंकल ओडी, आ जाओ जल्दी आओ बचा लिया गाइस। चलो अंकल ओडी ने वरना पूरी हेल्थ खा गए थे गाइस बेलर की, तो पूरा मौका मिल गया गाइस स्टिंग को प्लेटवार करने का। बहुत बढ़िया यहाँ पर बेलर इसी बात का फायदा उठा लो, हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तुम्हारी, जाके टैग दो। चलो भाई टैग दे दो भाई साहब, क्या कर रहे हो ये। अबे भाई बड़े अंडरटेकर सर को मानने गए थे यार, उधर अंकल होडी की पिटाई हो रही है स्टिंग की द्वारा। बहुत बढ़िया स्टिंग अंदर आ जाओ बस, निकल हो गए ग्रे वाइट गाइस। बहुत बढ़िया यार लेकिन तीसरा फिनिशर लग जाएगा इनके ऊपर देखा जाए तो। चलो चलिए रेजिलेंसी इस्तेमाल करनी पड़ गई गाइस, बच गए लेकिन रेजिलेंसी चले गए गाइस इनकी। चलो कोई नहीं मैच में अभी तक बने हुए, फिर भी बहुत बढ़िया यहाँ पर जबरदस्त। चलो कवर करेंगे मुझे लग रहा है, कवर नहीं करा गाइस ये गलती कर दी इन्होंने। चलो अंडरटेकर सर को टैग दे दिया यहाँ पर। भैया अंडरटेकर सर मैदान में आ चुके हैं और तुम अपना स्वेग दिखा रहे हो, ये गलती करी है तुमने अंडरटेकर सर, आप क्या कर रहे हो। भाई साहब पूरा कंट्रोल बनाने की कोशिश करेंगे ये। चलो बहुत बढ़िया कवर करेंगे, आ जाओ जल्दी रेफरी किधर हो। वन टू बचा लिया बिल्कुल सही समय पर यार स्टिंग ने गाइस, मुझे लगा था अंडरटेकर सर भी गए थे, ये टर्निंग पॉइंट था गाइस बहुत ही ज़बरदस्त। और रिवर्सल कर दिया यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, मुझे लग रहा है टैग देंगे। चलो स्टिंग को टैग दे दिया गाइस, लीगल हो गए स्टिंग, स्टिंग तो मानने जा रहा सीधे इसको, दोनों का गुस्सा सी पर अंकल हाउडी पे। चलो चलो बहुत बढ़िया यार ज़बरदस्त। चलो मीटर यूज़ कर लिया गाइस अपना, बहुत फुर्ती के साथ खड़े हुए हैं ब्रे वाइट। अबे भैया ज़बरदस्त यार ब्रे वाइट तो पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टिंग को एलिमिनेट करने की, ऐसी बात नहीं है शुरू से ही मैच के स्टार्टिंग से ही, लेकिन अब कौन किसको कर पाता है अभी तक देखते हैं मैच में पता चलेगा आगे जाकर। चलिए यहाँ पर रिवर्सल कर दिया स्टिंग ने, स्टिंग स्टिंग जाकर टैग दो अंडरटेकर सर को। हाँ बिल्कुल सही समय पर टैग दिया गाइस, अब इसका बुरा हाल होने वाला गाइस क्योंकि दो दो फिनिशर लेके बैठे हैं। चलो एक सिग्नेचर भी आ चुका गाइस, बहुत बढ़िया सिग्नेचर ठोक दिया यार। चलो कवर करेंगे यहाँ पर, वन टू थ्री, चलो सबसे पहले एलिमिनेट होने वाले हैं इनकी तरफ से ग्रे वाइट ही हुए। और टैग देने जा रहा गाइस अंडरटेकर सर के पास, तीन सुपर फिनिशर आ गए यार, ये लगाएंगे किसके ऊपर अभी यही देखते हैं गाइस इन दोनों में से किस पे लगेगा। चलिए बेलर पे भी फिनिशर लगने वाला है गाइस, चलो कनेक्ट कर दिया बहुत बढ़िया, रिवर्सल नहीं कर पाए
भैया पिन करेंगे, चलो 1 2 3 चलो अंतर आउट ही रहेगा गाइस। अगर स्टिंग ने दे दिया गाइस अंडरटेकर सर को, भाई साहब शार्प शूटर लगा दिया इन्होंने तो, बहुत बढ़िया शार्प शूटर कनेक्ट कर दिया गाइस। अभी देखो कितनी देर तक टिक पाते अंकल हाउडी। वैसे तो अंडरटेकर सर पे सुपर फिनिशर आवा गाइस। अबे भाई साहब टेक दे दो जाके बस किसी भी तरीके से अंडरटेकर सर को, जाओ टेक दे दो स्टिंग, मजा आ जाएगा, सुपर फिनिशर देखने को मिलेगा। एल्बो ड्रॉप लगा, जाओ जल्दी टेक दे दो यार, क्या कर रहा हो, खुद ही खत्म करेंगे मैच लगता है गाइस। अंकल हाउडी की हालत खराब है, यहाँ पे दो साथी वैसे एलिमिनेट होके जा चुके हैं। अरे भाई सब पूरा गुस्सा निकालेंगे इन पे तो, दोनों का गुस्सा, अंडरटेकर सर को भी गुस्सा, स्टिंग को भी गुस्सा, पता नहीं किस बात का गुस्सा है यार इनका तो। चलो आ जाओ, अरे भाई सब टैग देने जा रहा है, अगर अंडरटेकर सर को टैग मिल गया गाइस तो सुपर फिनिशर देखने को मिलने वाला है। अरे बहुत बढ़िया भाई सब, लगाएंगे 100% सुपर फिनिशर। अरे जवाब नहीं यार, हाई फ्लाई मूव देखने को मिल रहा है यार इनसे भी, हल्के हल्के से। अरे भाई जबरदस्त, अंडरटेकर सर सुपर फिनिशर लगाओ यार, क्या कर रहा हो, अब टॉप रोप से जम लगाएंगे यार अंडरटेकर सर, बगैर फिनिशर के खत्म करने चाह रहे लगता है मैच। चलो कवर कर लो, कवर कर लो, चलो सर। अबे भाई लग गया सुपर फिनिशर, लग गया गाइस, लग गया, लग गया, अबे आओ लग गया गाइस, गए अंकल हाउडी नहीं बच पाएंगे अब गाइस। चलो खत्म मैच, टीम अंडरटेकर जीत गए गाइस, जबरदस्त यार, बहुत ही गुस्सा था इनको भी, अंडरटेकर सर को भी गुस्सा था और उसको भी, स्टिंग को भी, पता नहीं किस बात का गुस्सा था यार। जबरदस्त मैच था गाइस, मजा आ गया इस मैच में। और गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो करते हैं डी एंड, और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Accomplishing the seemingly impossible, that's what elimination matches are all about.